नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्रैक्टर नगर पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पीसीडीसी लीवर सेटिंग के बारे में। और वैसे भी ये आप जो वीडियो देख रहे हैं, सेक्टर प्लेट देख रहे हैं, इसमें जो पीसीडीसी लीवर था वो एक साथ काम कर रहा था, यानी वो जाम हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके सामने रखा हुआ है, ये डीसी लीवर का स्लीव रखा हुआ है, और ये है जो हम हाथ में दिखाने जा रहे हैं, ये है पीसी लीवर का। ये नया लगाने जा रहे हैं क्योंकि वो ख़राब हो चुका था। 527 रुपये का है ये स्लीव, पीसी का है, ठीक है। स्लीव है ये पीसी लीवर वाला, और वो जो लंबा वाला है वो डीसी लीवर का है, ठीक है। तो अब हम इसे सेट करते हैं। कैसे सेट करेंगे ताकि वो दोनों फ्री मूवमेंट कर सके। ये आप देखिए पुराना वाला, ठीक है, इसके किनारे सही नहीं थे, वो ख़राब हो चुके थे, तो इसको हमने चेंज किया है यहाँ पे। तो चलिए आगे की वीडियो देखते हैं और कैसे सेट करते हैं, कैसे इसको असेंबल करते हैं, क्या तरीका होता है, सारा कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बता दें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को, जिससे आपको डेली की डेली जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहें। तो आप एक के सामने यहाँ पे सेक्टर प्लेट रखी हुई है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमने इसकी धुलाई की है, ठीक, निकालने के बाद, और इसकी सफाई भी करेंगे हम, ठीक है, साफ़ सफाई कर लेंगे कपड़े से पोंछ के। अब इन दोनों को पहले हम चेक कर लेते हैं सही से आ जा रहा है कि नहीं, फ्री है कि नहीं अपनी जगह पे, फ्री है। और अब हमें यहाँ पे ऑयल का यूज़ करेंगे, गेयर ऑयल का यूज़ करेंगे या फिर इंजन ऑयल, जो भी है आपके पास। कुल मिला के ये होना चाहिए कि लुब्रिकेशन इसमें रहे आसानी के साथ, ये अपनी जगह पे काम कर सके, मूव कर सके, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा लुब्रिकेशन का इस्तेमाल कर देते हैं। तो यहाँ पे स्लीव के अंदर और स्लीव के बाहर भी हम गियर आयल, यानी कि जो आयल यूज करते हैं हम लोग, उसको लगा देंगे, ठीक है, ताकि ये अपनी जगह पे फ्री मूवमेंट कर सके। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है इसलिए आयल का। तो दोस्तों, यहाँ पे पीसी लीवर का हम फुल फॉर्म बता देते हैं। पीसी लीवर में पोजीशन कंट्रोल लीवर और डीसी लीवर मतलब ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर। ये आप जो देख रहे हैं इसमें लगाया गया, जो फिट किया गया है सेक्टर प्लेट में, इसको बोलेंगे पीसी लीवर का स्लीव, ठीक है। ये पीसी लीवर का है, छोटा होता है ये, ठीक है। और जो डीसी लीवर का स्लीव होता है वो लंबा होता है, यानी इससे बड़ा होता है। तो यहाँ दोनों जगह पर हम आयल अच्छी तरीके से लगा देंगे और इसको हम असेंबल कर देंगे। एक ग्रुप बना होता है, अभी आपको दिखाते हैं हम, उस ग्रुप पे इसको फिट करना रहता है। तो चलिए इसको यहाँ पे असेंबल कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। ये यहाँ पे लग चुका है, देख रहे हैं जैसा कि आप। हमेशा ध्यान में रखिए कि एक निशान होता है ये सेक्टर प्लेट की तरफ, अभी आपको दिखाते हैं कैसे क्या सेट करते हैं। उसके बाद में ये सर्कल ब्लॉक हम यहाँ पर लगा देंगे ताकि ये बाहर ना निकल पाए। तो यहाँ पे सर्किल ब्लॉक को हमने फिट कर दिया है और अब हम डीसी लीवर स्लीव की तरफ बढ़ेंगे, यानी जो ड्राफ्ट कंट्रोल का स्लीव होता है उसको हम यहाँ पे फिट करेंगे, लगाएंगे। तो चलिए उसको देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने पीसी लीवर का स्लीव फिट करने के बाद अब डीसी लीवर का स्लीव जो है वो उसको हम यहाँ पर लुब्रिकेट करके फिट करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर फिट करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करिए क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ती है, तो आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्रुप बना होता है, वो पत्ती जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें चोट मारी जा रही है, तो वहाँ पर वो उसको फिट करना रहता है, अपने खांचे पर वो फिट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक लॉक और लगाएंगे, एक सर्किल ब्लॉक होता है वो, एक हाँ सर्किल ब्लॉक बोल सकते हैं उसको, ये लॉक होता है, और उसके बाद में इसको यहाँ पे फिट करेंगे। फिट करते समय ध्यान दीजिएगा कि ये बाहर भी फेंक सकता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगती है दबाने में, तो आराम से इसको जब भी फिट करें तो थोड़ा सावधानी पूर्वक फिट किया जाता है, नहीं तो ये कहीं जाके छिटक के आँख वाँख में भी लग सकता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी ऐसी चीज़ें लगाएं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक और मुंह को घुमाकर भी लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे लग चुका है ये, और अब बढ़ते हैं पीसीडीसी लीवर की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे स्लिप लग चुकी है इसकी, पीसीडीसी लीवर की, और अब हम पीसीडीसी लीवर को फिट करेंगे। ये आप जो देख रहे हैं
इसको बोलते हैं पीसी लीवर, ठीक है, यानी पोजीशन कंट्रोल लीवर। इस थोड़ा टेढ़ा हो गया है क्योंकि क्या होता है, जब जाम हो जाता है तो जो चालक होता है वो उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, यानी ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता है, जिसके कारण ये जो लीवर होता है वो टेढ़ा हो जाता है। तो चलिए पहले इसको सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा चोट मार के, ठीक है, उसके बाद में फिट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पीसी लीवर है वो सही हो चुका है, यानी ठीक हो चुका है, सीधा हो गया है, और अब इसे हम यहाँ पे फिट करेंगे। जो स्लीव होता है, स्लीव शाफ्ट होती है जो, उस पर हम फिट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक निशान होता है और एक लीवर पे भी निशान होता है, यानी स्लीव पे भी एक पॉइंट होता है और लीवर पे एक लाइनिंग होती है। अभी आपको हम दिखाएंगे, उन दोनों का मिलान होना चाहिए, यानी वो दोनों मैच करना चाहिए एक दूसरे से, तभी इसकी सेटिंग सही तरीके से हो पाएगी। चलिए आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे ये वाला निशान है यहाँ पर लीवर का, और उसके एकदम सीधे सामने आप देखेंगे थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है, उसको हम मिलाएंगे, ठीक है। अगर आपके सामने रहेगा तो दिख जाएगा, वैसे भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में, ठीक है, और सामने जब रहेगा तो बिल्कुल साफ आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर ये फिट हो चुका है, ठीक है, और अब इसके बाद एक वॉशर लगाएंगे हम। यहाँ पे प्लास्टिक का एक वॉशर होता है और उसके बाद में एक लोहे का वॉशर होता है, उसको लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए आप, लोहे का वॉशर है, इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद एक फिर से वही प्लास्टिक वाला जिसमें आउटर लिखा हुआ है, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे, लुब्रिकेशन के साथ लगाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक। अब उसके बाद जो डीसी लीवर है, यानी ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर है, उसको यहाँ पे हम फिट करेंगे, ठीक है। ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर की भी सेटिंग वैसे ही होगी, आप देखेंगे कि इसमें भी एक निशान होता है, ठीक है, ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर में भी एक निशान होता है, और जो ड्राफ्ट कंट्रोल स्लीव होता है उसमें भी एक पॉइंट दिया गया होता है, ये देखिए। तो उसको, उन दोनों को हमें मैच करना रहता है, मिलाना रहता है, ठीक है। तो आप थोड़ा क्लियर करके देखेंगे यहाँ पे मोबाइल से, ये देखिए आप एक लाइनिंग देखेंगे, यहाँ पे एक लाइनिंग है और उस लाइनिंग को एक पॉइंट से मिलाना है, यानी जो स्लीव होती है उस पर एक पॉइंट दिया गया होता है, उसको हमें यहाँ पे लगा देना है, फिट कर देना है। तो इतना दोस्तों करने के बाद, इतना सब कुछ, एक वॉशर फिर से लगाएंगे और एक नट लगा देंगे, ठीक है, नट लगा के टाइट कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे एक वॉशर लगाएंगे और एक नट लगा के इसको टाइट कर देंगे, और उसके बाद में अब पढ़ेंगे हम हाइड्रोलिक की तरफ। हाइड्रोलिक जहाँ पे कवर लगता है वहाँ की तरफ बढ़ेंगे, पूरा सिस्टम जहाँ पे रहता है वहाँ चलेंगे और इसको दिखाएंगे कैसे ये सेट किया जाता है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे हम टाइट कर लेते हैं। ये जो बोल्ट आप देख रहे हैं ये 24 नंबर का है, तो इसको यहाँ पे टाइट करेंगे और उसके बाद हाइड्रोलिक सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। इसको फिट करने से पहले हम इसको चला के एक बार देख लेते हैं कैसा चल रहा है मूवमेंट इसका। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसानी के साथ अब ये काम करने लग गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसको सेट किया जाता है जब भी जाम हो। तो जाम होने का एक ही रीज़न है कि उसमें ग्रीसिंग वगैरह नहीं मिल पाती है, जंग भी लग जाते हैं, ठीक है, ख़राब भी हो जाती है स्लिप, तब भी ये दोनों एक साथ चलने लगते हैं। तो अब भैया यहाँ पे आ गए हैं ट्रैक्टर पे, और इसको फिट कैसे करते हैं चलिए इसको दिखाते हैं। यहाँ पे ड्राइवर सीट को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा और उसके बाद में हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। We'll be right back.
दोस्तों यहाँ पे डीसी लीवर की जो पत्ती है वो नीचे गिर गई थी, इसे निकालने में थोड़ा टाइम लग गया है यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे अब निकल चुकी है। और आप देखेंगे ये जो सामने अभी हमने स्लीव लगाया था, ये लंबी वाली आप जो देख रहे हैं, इसमें एक डॉबल लगी होती है, ठीक है, डॉबल टाइप की लगी है, तो उसे यहाँ पे हम फंसा देंगे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी इस पट्टी को, यानी डीसी लीवर की जो पट्टी होती है उसको, डीसी लीवर का जो स्लीव होता है उसमें हम लगा देंगे, डॉबल बनी होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक पैकिंग लगती है, यहाँ पे पैकिंग लगा देंगे, बॉन्ड की सहायता से चिपका देंगे। यहाँ पे पैकिंग लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो लीकेज का दिक्कत होगी, ठीक है। यहाँ पे हम बॉन्ड लगा के चिपका देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बहुत ज़्यादा। और वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे फिट किया था, डीसी लीवर का जो पट्टी होता है यहाँ पे हमने फिट किया है, सेम वैसे ही जो पीसी लीवर का स्लीव होता है, पीसी लीवर के स्लीव में भी पीसी लीवर का जो पट्टी होता है उसको हम लगाएंगे, उसमें भी डॉबल लगा होता है, और जो डॉबल के बाद एक चीरा पिन लगा होता है उसको लगा देंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पे पैकिंग भी लग गई है और डीसी लीवर का जो पत्ती होती है वो भी लग गई है। अब यहाँ पे पीसी लीवर आप देखेंगे, पीसी लीवर का जो स्लीव अंदर आया है उसमें हम पीसी लीवर का जो पत्ती होती है, यानी जो जिसमें रोलर लगे होते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे हम लगा देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे ये डीसी लीवर का है, ये सॉरी पीसी लीवर का है, तो पीसी लीवर के स्लीव में पीसी लीवर का जो पत्ती है उसको यहाँ पे हम लगा के चीरा पिन लगा देंगे। तो इतनी सी सेटिंग होती है इसकी, जब दोनों जाम चल रहे हो तो ऐसा ही काम करना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्टर संबंधित सभी वीडियो मिलती रहती हैं और आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे नए ट्रैक्टर के भी रिव्यू आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।